इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। इसके साथ हम इस वीडियो में ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ट्रेंडिंग मार्केट न्यूज के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी 9 बज चुके हैं और हम ग्लोबल इंडेक्सेस को ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में लगभग 60 पॉइंट्स का एक अपसाइड यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल हमें फिर से मार्केट में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है और ये मार्जिनली हमें अपसाइड में मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो HDFC ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। आज इस स्टॉक में हमें फिर से 2.2% का एक अपसाइड देखने को मिला। इसने अपना इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे 551 के लेवल्स पे करंटली अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके ऑर्डर बुक में बायर साइड में काफी ज्यादा बाइंग क्वांटिटी को देख पा रहे हैं, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक गैप अप ओपनिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसकी ओर रुक करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक मार्जिनल बुलिश ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी हमें यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल इस स्टॉक में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप कल इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है वो एक FMCG स्टॉक है, जिसे हम डाबर इंडिया के नाम से जानते हैं। आज इस स्टॉक में हमें लगभग 2.54% का एक सिग्निफिकेंट अपसाइड देखने को मिला, जबकि मार्केट आज साइडवे ट्रेडिंग कर रहा था। इसने भी आज अपने इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे 451 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है और इसके करंट VWAP लेवल्स को हम इसके करंट क्लोजिंग से काफी नीचे देख पा रहे हैं। इस वजह से कल आपको ये बाइंग मोमेंटम जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है और हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर्स है उसमें भी बाइंग साइड में काफी सारा बाइंग क्वांटिटी को देख पा रहे हैं, जिस वजह से हमें इसमें ये बाइंग मोमेंटम आगे भी कल जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका टेक्निकल चार्ट में हम मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल को अभी भी कंटिन्यू रहता हुआ देख पा रहे हैं और इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। इस वजह से कल आप इस स्टॉक को बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो तीसरा और आखिरी स्टॉक है वो इंजीनियर्स इंडिया है। आज इस स्टॉक में हमें लगभग 5.26% का एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिल चुका है और इसने अपने इंट्राडे लो के जस्ट ऊपर 112 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके ऑर्डर बुक में भी हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर्स है उसकी ओर रुख करते हैं तो यहाँ आपको सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कल इस स्टॉक में हमें ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल चार्ट में हम अभी भी मेजर EMA लेवल्स और VWAP लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं और इसके वोर्टेक्स इंडिकेटर और MACD इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आज लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी ने EPF सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशखबरी का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने ईयर 2018-19 के लिए EPF का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 0.1% का एक बढ़ोतरी को आज अनाउंस किया हुआ है, जो कि पिछले साल 8.55% था वो इस साल बढ़ते हुए 8.65% तक आ चुका है। और जो दूसरी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है वो है IRCTC का IPO सितंबर 30 को लॉन्च होने वाला है और इसका जो प्राइस बैंड है वो हमें टुमारो वेडनेसडे को अनाउंस किया जा सकता है। इस IPO के जरिए गवर्नमेंट लगभग 20 मिलियन शेयर्स को बेचना चाहती है और
इसमें अपना डाइवेस्टमेंट करना चाहती है और इस आईपीओ के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 480 करोड़ का फंड जुटाना चाहती है। और जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हमारे सामने आज आ रही है वो है इंफोसिस टीसीएस जैसे कंपनी आज फोर्ब्स के बेस्ट रिगार्डेड कंपनीज के लिस्ट में आ चुके हैं। अगर हम इनके जो रैंकिंग्स है उन्हें चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम देख पाएंगे इंफोसिस इस लिस्ट में आ जाता है। वैसे हम टाटा मोटर्स को 31 पोजीशन पे देख पा रहे हैं जबकि हम टीसीएस को 22 पोजीशन पे यहाँ पे देख सकते हैं। इस लिस्ट में हमें काफी बड़े बड़े कंपनीज भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पेपाल 5th पोजीशन पे आता है, माइक्रोसॉफ्ट 6th पोजीशन, वॉल्ट डिज्नी 7th पोजीशन, टोयोटा मोटर्स 8th पोजीशन। वैसे अगर हम दूसरे इंडियन कंपनीज को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम टाटा स्टील को 105th पोजीशन, लार्सन एंड टूब्रो को 115th पोजीशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा को 117th पोजीशन, एचडीएफसी को हम 135 पोजीशन, बजाज फिनसर्व को हम 143rd पोजीशन, पिरामल एंटरप्राइजेस को हम 149th पोजीशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम 153rd पोजीशन, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को हम 155 पोजीशन, इंडियालको को हम 157th पोजीशन, विप्रो को 168th पोजीशन, एचडीएफसी बैंक को 204th पोजीशन, सन फार्मा को हम 217th पोजीशन, आईटीसी को हम 231th पोजीशन और एशियन पेंट्स को हम 248th पोजीशन पे देख पा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा यूएस कंपनीज हमें देखने को मिल जाते हैं यानी कि इस लिस्ट में 250 कंपनीज का एक लिस्ट जारी किया गया है जिनमें से 59 कंपनीज यूएस कंपनीज है और हमें इसमें एशियन कंपनीज 82 देखने को मिल जाते हैं जिसमें हमें मोस्टली जापान, चाइना और इंडिया के कंपनी देखने को मिल जाते हैं। आगे हमें एशियन कंपनीज इस लिस्ट में डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी में आज 12 पॉइंट्स का एक मार्जिनल डाउनसाइड देखे जाने के बाद हम ग्लोबल इंडाइसेस में एक अपसाइड को करंटली फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं और हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में भी लगभग 70 पॉइंट्स का एक अपसाइड यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपी में फिर से एक तेजी को यहाँ पे लौटता हुआ देख पा रहे हैं जिस वजह से कल हमें मार्केट मार्जिनली अपसाइड में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम आज के निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो आज हमें इसमें एक इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसके आरएसआई लेवल में एक साइडवे ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन कल हमें इसमें थोड़ी सी अपसाइड फिर से देखने को मिल सकती है और ये 11,600 के लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप करेंटली इसके पुट साइड में 11,500 के लेवल्स पे 8.86,575 पुट कॉन्ट्रैक्ट को नया ऐड होता हुआ देख पाएंगे। इस लेवल पे हमें 34,98,075 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम कल के लिए 11,500 के लेवल्स को डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें यहाँ पे 11,600 के लेवल से लेके 11,700 के लेवल्स तक भारी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम 11,700 के लेवल्स पे 6.55,350 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ दिख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 27,40,875 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे सकता है जिस वजह से कल के लिए हम 11,700 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो हमें आज इसमें एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया है लेकिन यह अभी भी अपने सभी क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस वजह से कभी भी हमें इसमें फिर से एक अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके आरएसआई लेवल की ओर रुख करें तो हमें इसमें एक मार्जिनल डाउनसाइड देखने को मिल जाता है जिसमें कल हमें थोड़ी सी अपसाइड फिर से फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में 30,000 के लेवल्स पे पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड होता हुआ देख पा रहे हैं लेकिन अभी भी हमें इस लेवल्स पे 5.02,840 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल के लिए 30,000 का लेवल्स एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल मानी जा सकती है क्योंकि इस लेवल पे हमें काफी सारा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो हमें अपसाइड में 30,500 के लेवल्स पे 1.26,200
कोर कॉन्ट्रैक्ट नया ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 4.43 लाख क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इसलिए आप कल 30,500 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।